लेकिन आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था, और कितना ज्यादा होता था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। एक तो बीजेपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने से उनको रोक दिया है, ये उनकी अलग पीड़ा है, और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण उन्होंने कल मतदान में देखा है। हार निश्चित दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में, घबराहट में वो तिलमिला रहे हैं, और आदरणीय लालू प्रसाद जी पर निजी हमले कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास वो चलकर आए थे, कह रहे थे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, बर्बाद कर देगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन्हें छोटा भाई समझ के माफ किया था और साथ आए थे। 2020 में भी इसी तरह की भाषा आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। इस तरह की ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं, और जनता सब चीज का जवाब देगी समय पर। ये सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास अब राजनीतिक जमीन नहीं बची है, इसलिए उनकी पीड़ा है, वो बौखलाहट में हैं, और ये निजी हमले आदरणीय लालू प्रसाद जी पर कर रहे हैं। मुद्दे की बात, काम की बात वो नहीं कर पा रहे हैं।